गुड मॉर्निंग। सुबह का अभी 11 o'clock हो रहा है और आज अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पीछे अंशुल दिख रहा है, चाय हो चुका है, अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और नाश्ता में जो है दूध के लिए एक बना दूँगी, एक ऑमलेट बना दूँगी और थोड़ा सा फिर पोहे, तो पोहे और ऑमलेट ऐसा ही रहने वाला है नाश्ता। और लंच में बनाने वाली हूँ मशरूम और मटर पनीर। तो आज जो है सो की वही सब जो है आज चलने वाला है। गोल्डी का भी गुड मॉर्निंग हुआ है, वो तो अभी जस्ट अभी रूम में लेटने गए हैं, बोले कि थोड़ा लेटता हूँ तो अभी वो लोग लेटने गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बिना ब्रश किए नहीं? हाँ ओके, बिना ब्रश किए हुए नहीं, बिना ब्रश किए हुए किसी ने। ठीक है चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। मशरूम बन चुका मेरा, ये देखिए आज लंच में बना रही हूँ मशरूम। और ये देखिए कितना टेस्टी बना है ना, आप लोगों के साथ इसका रेसिपी शेयर, बहुत इजी है। 10 मिनट में मशरूम बन के रेडी हो जाता है, 10 मिनट काफ़ी होता है। तो गुड्डू के लिए आज मशरूम बना रही हूँ, इसके साथ पराठा बना दूँगी, गुड्डू बहुत प्रेम से खा लेंगे। और इधर बना रही हूँ मटर पनीर और राइस, मेरा बन चुका है राइस, वहाँ देखिए वहाँ पे रखा हुआ है मेरा राइस जो बना करके। और ये मेथी जो है वो तोड़ रही हूँ मैं, तो ये मेथी यहाँ पे तोड़ करके मैं डाली हूँ। और ये डंटल है और ये मेरा मेथी का ये है। बस 10 मिनट लगना है, सिर्फ 10 मिनट में मेरा बन जाएगा एकदम से। मेथी पराठा कल बनाऊँगी, आज नहीं बनाने वाली हूँ। और पालक जो है वो भून करके रख रही हूँ, तो पालक जो है वो बना दूंगी मैं, साग बना दूंगी। ये दूध उबला हुआ है मेरा, यहाँ पे भी दूध उबला हुआ है, ये भी दूध। मुझे ये वाले ब्रांड अच्छे नहीं लगते, स्मिथ एंड जोन्स है ना, ये अच्छा है लेकिन ये ना लगता है ना जैसे कि आप चाइनीज़ वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें ये सही जाता है। और बाकी जो है सो कि सबका सबका अपना अपना टेस्ट, बहुत को ये अच्छा लगेगा लेकिन मुझे ये उतना जमता नहीं। मेरा रिफाइंड रखा हुआ है 1 लीटर, 15 दिन चलाने का रहता है, 15 दिन नहीं चल पाता लेकिन 1 लीटर जो है वो 10 दिन जो है वो चल जाता है। ये मेरा टफरवेयर का डब्बा है और ये तकरीबन मुझे नहीं भी तो 12-13 साल से है यूज़ कर रही हूँ। बस इसका एक ये ख़राबी हो गया कि इसका ये जो है ना कवर जो है वो टूट गया, तो ये है वही सब है यार। अभी तो ये पक चुका, अब इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी डालूँगी और हो जाएगा। इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि तो इसका ग्रेवी जो है वो लटपटा डालने वाली हूँ, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी इसके अंदर मैं नहीं डालने वाली हूँ। तो ये जो है इसको पता है क्या की हूँ इसके अंदर क्या क्या, कितना इजी है इसको बनाना। रिफाइन या फिर राई तेल किसी में भी आप बना सकते हो, तो मैं रिफाइन में बनाती हूँ, अफोला गोल्ड में यूज़ करती हूँ, आप सबको पता है। और उसके अंदर 3 चम्मच जो है सो कि सफोला गोल्ड ऑयल डाली, उसके बाद उसके अंदर मैं डाली जीरा, लाल मिर्च सूखा, ये देखिए लाल मिर्च सूखा है ना, ये डाली। उसके बाद 1-2 प्याज जो है वो ग्राइंड की हुई थी, ग्राइंडर मेरा ख़राब है तो चॉपर में चॉप कर दी थी, सॉरी ग्रेटर में ग्रेट कर दी थी। और उसके बाद जो है इसके अंदर डाल दी, उसका नमक डाल दी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। और उसके बाद जो है इसको कवर करके 2 मिनट के लिए भूनी मैं। और उसके बाद उसके अंदर मैं 1 टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दी, ग्राइंड करके नहीं डालना है आपको, चॉप करके आपको डालना है। उसका उन दोनों को 2 मिनट तक आपको भूनना है। भूनने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला। मैं मोस्टली ये मशरूम वगैरह में चिकन मसाला यूज़ करती हूँ, या फिर आप चाहो तो सब्जी मसाला भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है हल्दी, ये सब टेस्ट के अनुसार, नमक, ये सब मतलब आपको डाल करके मिक्स कर देना है, चलाना है। जब आपको लगे कि आपका मसाला पक चुका है यानी कि तेल छोड़ने लगा, तब आपको मशरूम डालना है। मशरूम क्योंकि तुरंत पक जाता है तो मशरूम आपको पहले नहीं डालना है। जब 2 मिनट मशरूम को आप हिलाते हो ना, उसके बाद में ही वो पक जाता है। उसका थोड़ा इसके अंदर आपको मलाई डालना चाहिए, यानी कि जो दूध के ऊपर का जो वो मलाई होता है ना, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 2 मिनट के लिए पकाइए और उसके बाद लास्ट में आपको इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है, जो अभी मैं ऐड करूँगी
उसके बाद इसको लीड को कवर कर दूंगी, 2 मिनट के लिए बॉईल करूंगी और मेरा मशरूम जो है बन के रेडी हो जाएगा। पराठा, कचौड़ी, वो जो पूरी बोलते हैं राइस, किसी के भी साथ खाइए या रोटी के साथ। तो चलिए फिर, अभी जस्ट मैं जनरल टॉक्स के लिए वीडियो बना रही थी तो इसी ड्रेस में, बस ऐसे। आपको पता है मेरा नेचर कि भैया अगर मेकअप करके बोलोगे कि एकदम से बैठ के बनाऊं तो फिर नहीं बना पाऊंगी। ये सब कुछ सामान मंगाई हुई हूँ, आप लोगों को दिखलाई नहीं थी ना। ये सुगर के ये जो है नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग देखोगे नहीं ब्लॉग वीडियो मेरा, अभी नहीं दिखलाऊंगी। ऐसे ही आप लोग हॉल वगैरह नहीं देखते हो तो क्यों दिखलाऊं मैं। ये लिपस्टिक का कलर कैसा लग रहा है? मस्त ना, गजब गजब लग रहा है ये लिपस्टिक का कलर, तो देख करके दिल मेरा खुश हो जाता है। ये लिपस्टिक का कलर शुगर का, हाय हाय, मुझे शुगर के प्रोडक्ट इतने 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 अच्छे लगते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये मुझे फिर फ्री मिला है क्योंकि इलाइट मेंबर हूँ ना, और इलाइट मेंबर होने के फ़ायदे हैं। मोस्टली लॉस में ही जाते हैं, कभी कभी फ़ायदे में, भैया हमेशा लॉस में जाएंगे? कभी कभी तो पर्पल वाला भी सोचता होगा कि भैया ये हमेशा लॉस में जाएंगे तो कुछ तो अच्छा प्रोडक्ट दे दो इनको। नहीं तो कितने हज़ार का शॉपिंग की हुई हूँ मैं, कभी कभी 8,000 9,000 की शॉपिंग भी की हूँ मैं पर्पल से, और इलाइट मेंबर के नाम पर मुझे क्या मिला है? इतू इतू छोटे छोटे से 10 ml के छोटे छोटे से गिफ्ट मिले हैं। कभी मुझे अच्छा वाला गिफ्ट नहीं मिला इलाइट मेंबर होने की वजह से, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे है ना एक लिपस्टिक मिला है, जय हो पर्पल की। 500 रुपये का गिफ्ट दिया है, चलो 500 रुपये दिल से तो उसके निकले पर्पल वाले के, नहीं तो निकलता नहीं है अच्छा सा गिफ्ट कोई। इलाइट मेंबर के नाम पर लूट लेते हैं, इलाइट मेंबर बनो ये फ़ायदे वो फ़ायदे देते नहीं, लेकिन फाइनली इस बार दिए तो इस बार तो तारीफ करना बनता है ना भैया, हक है, कुछ फ्री में दिया है तो थोड़ा तारीफ कर देना बनता है। अभी वही वीडियो बना रही थी और सोचे कि आप लोगों के साथ गप्पा भी मार लूँ, बहुत देर हो गए गप्पा किए हुए, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों को दिखा दूंगी फिर आप लोग वीडियो कहाँ देखते हो ना मेरा, हाँ इसलिए नहीं दिखाऊंगी। जब सुबह से काम करने की बात कर रही हूँ तो आप सबको पता है कि मेरा सब काम हो चुका है अभी, और अभी मैं आप लोगों से गप्पा मारने आई हूँ। अभी किचन का और डाइनिंग का लाइट ऑफ कर देती हूँ। डिनर में बनाने वाली हूँ आलू पराठा और टमाटर की चटनी। कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, इधर से आती हूँ, इधर यहाँ पे ही रख के बात कर लेती हूँ। ये सारे कपड़ा है वो फोल्ड करके रखा हुआ है और अभी सबको जगह पे रखना बचा है मुझे। और लंच में तो आप सबको पता है मशरूम बना है, और मशरूम क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता और गोल्डी को भी अच्छा नहीं लगता, अंशु को भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने गोल्डी और अंशु के लिए जो है वो बनाई हूँ मटर पनीर। गुड्डू बोले हैं कि मशरूम जो है सो कि मेरे लिए अगर बच गया तो इसको रख देना रात में खाऊंगी। लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। जनरल टॉक्स के लिए वीडियो बनाते बनाते मैं सोचूँ आ नहीं रहा फिंगर में, भैया आप रगड़ लूँगी तो आएगा ही ना। देखो प्रोडक्ट है ना वो क्वालिटी प्राइस और ब्रांड ये सब मैटर करता है कोई भी प्रोडक्ट का। चादर ही लेते हो आप, अब डिकोर के चादर जो मैं अपने बेड पे बिछा देती हूँ, और सिमसिम से मैं चादर ले लेती हूँ 400 या 500 रुपये के, रिव्यू भी करती हूँ। अभी 400 रुपये के चादर को अगर मैं डिकोर के 2800 के चादर के साथ अगर कंपेयर करूँगी तो ये तो मेरी मूर्खता है ना। अभी 400 रुपये का चादर ली हूँ तो अगर वो 4 महीने भी, 4 महीने तो चलो 6 महीने भी लास्ट कर जाए अच्छे से तो बहुत है, अपने पैसा वो तो समझो कि 6 महीने अगर लास्ट कर गया तो वो पैसा नहीं, मतलब पैसा पैसा सधा दिया आपका, ऐसा है। तो वही है, लिपस्टिक आप सुगर के ले लो, रेवलॉन के ले लो, लॉरियल के ले लो, तो ब्रांड मैटर करता है। आप पर्पल के लेते हो तो पर्पल के लिपस्टिक ऐसे हैं कि उसको अगर आप सोचोगे कि एकदम 100% वाटर प्रूफ हो जाएंगे ये लिपस्टिक, यार 49 रुपये, बहुत पर्पल के बहुत सारे लिपस्टिक ऐसे हैं जो 99 रुपीज़ के हैं,
बहुत सारे लिपस्टिक ऐसे हैं पर्पल के जो 125 रुपए के हैं। इतना सस्ता में तो कोई लिपस्टिक मिलता नहीं ना, तो अब उससे आप कंपेरिजन करने लगोगे लैक्मे और रेवलॉन के तो मूर्खता है। लेकिन अगर आपको इच्छा है, और चीप क्वालिटी नहीं है पर्पल के प्रोडक्ट, प्राइस चीप है, उसके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन मूर्खता करना है रेवलॉन और लॉरियल और इन सब के साथ उसका, कि भैया लैक्मे के लॉरियल के लिपस्टिक, मेरे पास तकरीबन 5 लिपस्टिक है लॉरियल के जो मैं ओकेजनली लगाती हूँ। 1800 का एक है, 1100 का है, 1000 रुपीज़ का है, ऐसे ही कर करती। मतलब वो लिक्विड लिपस्टिक है, वो लगा लेते हो आप और उसके बाद वो 24 आवर्स रहता है। अब मैं सोचूंगी कि पर्पल के 100 रुपये का लिपस्टिक ली हूँ और पर्पल के वो 100 रुपये का लिपस्टिक का कंपेरिजन मैं करती हूँ लॉरियल के 1100-1800, तो मूर्खता ही है ना। बताओ मैं गलत नहीं हूँ ना? बात वही है, रिजनेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट है, पर्पल के प्रोडक्ट है रिजनेबल प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन अब भैया झूठ तो नहीं बोलूँगी ना कि पानी में अगर आप जाते हो तो पानी में भी ख़राब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास बहुत सारे पर्पल के प्रोडक्ट हैं, NY के सबके बहुत सारे लिपस्टिक हैं जो मतलब बस लगाइए 3 घंटे में टचअप आपको करना पड़ेगा। वो बड़े ब्रांड की अगर आप लिपस्टिक लेते हो तो उसको भी टचअप करना पड़ता है, लगा करके आप आराम से 3 घंटे तक रह सकते हो। बीच में अगर आप एक बार टचअप कर लेते हो तो आराम से 6-7 घंटे रह जाता है, तो कौन 24 घंटे हमें लिपस्टिक लगा करके रखना है। तो ठीक है ना भाई, NY के पर्पल के प्रोडक्ट क्या करना है? वही सब है। पता है मुझे मैसेज आया था, बहुत घटिया सा मैसेज आया था अभी आज से 2-3 दिन पहले। मैं सोचती हूँ हमेशा कि स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ उसका, फिर मैं ना दिमाग से निकल जाता, सोचती हूँ छोड़ो हटाओ क्या करना है स्क्रीनशॉट लेकर के। लेकिन सीरियसली जिस दिन दिमाग घूम गया ना, सारे बकवास मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को दिखलाऊं। एक तो 2 यूट्यूबर मेरे पीछे ना पड़े हुए हैं, एकदम 2 यूट्यूबर, मैं उनके ऊपर अगर स्पेशल अगर ब्लॉग बनाने बैठूँ ना तो बहुत घटिया घटिया वाले मैसेज जो है उनके आते हैं। लेकिन छोड़ो, उन सब बात पे जाती ही नहीं। अभी मुझे मैसेज आया था कि मैम आप तो मगरमच्छ हो, तो वो मैसेज को जो है मैं पढ़ी, तो मैं खुला बोलती हूँ कि मैं मगरमच्छ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अभी पूछोगे मगरमच्छ कैसे हो, मगरमच्छ क्या होता है? वो पानी में बड़ा शांत जो है वो तैर, वो ये काजल है ब्रॉन्ज कलर का, उसका दिखला रही थी ना, तो वो हाथ पे लगा हुआ, ये देखो ऐसे घिस रही हूँ ना, काजल बड़े अच्छे हैं इसके, ये देखो, ये देखो इतना घिस रही हूँ, ये जा नहीं रहा है, अभी जा करके थोड़ा लाइट हुआ। ये जो हाथ को आपको मेरे 2 कलर के हाथ दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे कलर कुछ और यहाँ पर कुछ और कलर दिख रहा होगा ना, यहाँ पे थोड़ा काला दिख रहा होगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको गोरा दिख रहा होगा ना, है ना। ये मैं फाउंडेशन का रिव्यू कर रही थी तो उसका जो है आपको दिख रहा है, बहुत फर्क दिख रहा है ना। ये फाउंडेशन का रिव्यू कर रही थी इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो बात कर लेते हैं मैसेज वाली की, तो मुझे 4 दिन पहले मैसेज आया, मैडम आप मगरमच्छ हो। मैं बोली देखो भैया, मुझे बुरा तो लगा नहीं उसको, मैं बोली कि हाँ मैं मगरमच्छ हूँ, मगरमच्छ होने में कोई खराबी थोड़ी है। देखो मगरमच्छ क्यों बोलते हैं, मगरमच्छ अगर कोई मुझे बोला तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अभी पूछो क्यों मैं मगरमच्छ पे बुरा नहीं लगा, मैं हूँ मगरमच्छ, मैं बोलती हूँ। अगर मगरमच्छ क्या करता है ना, पानी में मस्त अपना तैरता रहता है ना, समुद्र में नदी में जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी उस रहता है, अरे मस्त रहता है, तैरते रहता है। जब भूख लगती है, पेट खाली रहता है, सामने कोई आया उसको खा लिया, हाँ उसके बाद फिर वो तैरता रहता है अपना पानी में, अपना अपने मस्ती में रहता है। कोई अगर उसको उंगली करने जाता है, ऐसे अगर करके उंगली करने गया तो एक बार वो खां खून जो भी अपना आवाज़ है उसको निकाल करके उसको सचेत कर देता है। फिर उसको जाओगे फिर उंगली करोगे तो फिर वो 2 बार जो है सो कि वो आपको बताएगा कि भैया दूर रहो मुझसे, उंगली मत करो। अब तिवारा अगर आप पिन करने जाओगे मगरमच्छ को कि भैया पिन करके देखती हूँ मैं क्या होता है, अब पिन करने जाओगे तो वो क्या करेगा, खा ही जाएगा ना।
तो मगरमच्छ बड़े शांत स्वभाव का होता है, लेकिन तब तक वो शांत स्वभाव का होता है जब तक उसके परिवार के ऊपर, जब तक उसको लगता है कि उसके मतलब कुछ खतरे की बात नहीं है। अगर कोई बार बार परेशान परेशान कर रहा है तो फिर वो खा जाएगा। तो मेरा वही वही है, अगर आप मुझे मगरमच्छ करते हो तो मैं इससे बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि हाँ मैं हूँ और मैं बड़ा शांत स्वभाव की हूँ। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे उंगली करके और फिर जो है सो कि मुझे आप पिन मारोगे और कुछ भी आप बोलोगे और फिर छवि जो है सो कि वो चुपचाप जो है वो रह जाएगी, तो ये नहीं होगा। फिर जो छवि वाला, छवि का जो वो रूप है मगरमच्छ वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कितने दिन आप शांत रह सकते हो ना, कितने दिन चुप रह सकते हो। अभी मैं लंबा चौड़ा जो है सो कि एक मेल भी मैं कर चुकी हूँ और आप लोगों को अभी मैं बताई नहीं हूँ, अब आज तक नहीं बताई हूँ। मैं परसों ही एक मेल की हूँ और मैं बोली हूँ कि भैया मैं भी चाहूँ तो एक अच्छा खासा ब्लॉग बना सकती हूँ, है ना। लेकिन तो वही वाली बात है, उंगली करोगे तो आप नहीं बचोगे, वही सब है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी सब कुछ हो चुका है, वही अभी कपड़ा वगैरह जो है सो रखना है जगह पे। अभी देखिए क्या होता है। अभी तो मीरा का तो मुझे कौन पूछ रहा था कि मीरा कब आएगी। अभी सुन तो रही हूँ, उड़ता उड़ता खबर आ रहा है कि 1 मई से जो है सो कि बाइकों को अलाउ किया जा रहा है। अभी देखते हैं, अगर मीरा अगर आई तो ठीक है, अगर मीरा नहीं आई तो भी ठीक है, अपने को क्या करना है ना। मीरा आ गई तो अच्छा है, क्योंकि उसके उसको हस्बैंड नहीं है, तो कोई रिस्क मैं जो है वो लेना नहीं चाहती हूँ मीरा के साथ। सबकी जब बाई आएगी तो मीरा को भी बुला लूँगी, वही है। और तुलिका जी थैंक यू, आप मेरे फैमिली में अभी नई नई जुड़ी है। मुझे लगता है 2 या 3 महीने से आप मेरे जो है यूट्यूब फैमिली में जुड़ी हैं, पुणे ब्लॉगर में भी और जनरल टॉक्स में भी। लेकिन आप बहुत 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 अच्छे से जो है फैमिली को के साथ वो जुड़ी है, मेरे साथ बहुत अच्छे से आप जुड़ गई हैं, इसके लिए दिल से आपको थैंक यू। इस बात जाते जाते बता कितने लोग हैं जो मेरे जैसे मगरमच्छ हैं, मेरा वाला मगरमच्छ वाला नेचर रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर वो बंदा जो भी है मुझे मैसेज किया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, मुझे मगरमच्छ सुनने में कोई तकलीफ नहीं है कि भैया मैं शांत हूँ, लेकिन तब तक जब तक कि आप मुझे शांत रहने दोगे। आप मुझे अगर शांत नहीं रहने दोगे तो फिर मैं कब तक चुप रहूँगी ना। आप किसी को प्रोवोक करोगे बार 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 बार, तो कभी ना कभी तो अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर देते हो, 10 बार कोई आपको क्वेश्चन करता है आप आंसर देते हो, तो कोई सामने से एक बार तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा ना। मेरा वाला नेचर कितने लोग रखते हैं जरूर मुझे बताइएगा। चलिए फिर, बाय।